तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल से भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। उत्तर बंगाल में भाजपा के 500 नेता टीएमसी में होंगे शामिल, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी योगी सरकार। यूपी में 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को नहीं मिलेगी कोई भी सरकारी सुविधा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम देशों के दबाव में जम्मू कश्मीर को योगी और मोदी सरकार देगी पूर्ण राज्य का दर्जा। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को राष्ट्रपति से रद्द कराएंगे किसान। 26 जून को पूरे देश में देंगे कृषि कानून के खिलाफ धरना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गौरक्षा के नाम पर त्रिपुरा में 3 मुसलमानों की हिंदू संगठनों ने पीट पीट कर दी हत्या। अब फिर से बढ़ गया है, एक बार फिर से देश में तनाव हो गई है, 3 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में फिर से शुरू हो सकती है वोटों की गिनती, बीजेपी जाएगी कोर्ट। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर बंगाल से भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। टीएमसी में शामिल होंगे उत्तर बंगाल के बीजेपी नेता, बढ़ गई हैं मोदी की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के अलीपुर द्वार जिला इकाई के अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने रविवार को कहा है कि वह जल्दी बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल होंगे। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि वह भाजपा की नीतियों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और ऐसे हालात में उनके लिए जनता के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कलकत्ता रवाना होने से पहले ही कह दिया है कि वह भाजपा को चुनाव जिताने में नाकामयाब रहे, इसलिए वह भाजपा से अपना नाता तोड़ रहे हैं और जल्द ही जो है टीएमसी में शामिल होंगे। उन्होंने बताया है कि उनके साथ लगभग 500 कार्यकर्ता सहित 25 नेता टीएमसी को ज्वाइन करेंगे और बीजेपी को छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उत्तर बंगाल से बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। लगातार बीजेपी को बंगाल में नेता छोड़ रहे हैं और टीएमसी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है योगी सरकार। यूपी में 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों की सुविधाओं में करेगी कटौती। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आने वाली है। इसका ऐलान योगी सरकार ने आज कर दिया है। इसके लिए राज्य की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों को कानून लागू होने के बाद कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून बनने के बाद इस कानून को लागू कर देगी तो यूपी में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। यानी योगी सरकार उन व्यक्तियों को किसी कीमत पर कोई भी सरकारी सुविधा नहीं देगी जिनके बच्चे 2 से अधिक होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी सरकार ये भयंकर कानून यूपी में लेकर आने वाली है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों के सामने झुकी मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को वापस देगी पूर्ण राज्य का दर्जा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने जो क्षेत्र 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था और अब विरोध करने के बाद मोदी सरकार मुस्लिम देशों के सामने झुक गई है और जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार 24 जून को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को कश्मीर के नेताओं को दिल्ली बुलाया है और इनके साथ बैठक का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही कि जम्मू कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा मोदी सरकार देगी और इसमें विधानसभा चुनाव भी होंगे और मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गौरक्षा के नाम पर त्रिपुरा में 3 मुसलमानों की हिंदू संगठनों ने कर दी मॉब लिंचिंग। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने
सामने निकलकर आई दोस्तों कि गौरक्षा के नाम पर भारत में कहीं पर भी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और पीट पीट कर मौत के घाट इन्हें उतार दिया जाता है। ऐसा ही मामला त्रिपुरा के खोवई जिले में आज आया है। यहाँ पर मवेशी चोरी करने के संदेह में तीन लोग की भीड़ ने कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी है और पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। अभी तक किसी को भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना कर हत्या में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मृतकों की पहचान जायद हुसैन, बिलाल मियां और सैफुल इस्लाम के रूप में की गई है। वहीं आपको बता दें कि गांव के लोगों ने गौरक्षा यानी गौकसी के आरोप में इनको पकड़ लिया और बुरी तरह से इनको पीटा और गांव के लोगों ने इतना पीटा कि इनकी हत्या हो गई है, मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि त्रिपुरा में एक बार फिर से गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग तीन मुसलमानों की कर दी गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना में उठी बीजेपी के संग जाने की मांग। विधायक ने लिखा पत्र, कहा मोदी के करीब आने से मिलेगा फायदा। जय दोस्तों आपको बता दे कि अब जो है महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक ने उद्धव ठाकरे से पत्र लिखकर मांग किया कि वह बीजेपी के संग गठबंधन कर लें और एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन महाराष्ट्र में तोड़ दें। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। ये एक सामान्य पत्र नहीं बल्कि लेटर बम है। प्रताप सरनाईक ने अपने पत्र में लिखा है कि एनसीपी और कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव आने वाले विधानसभा का लड़ना चाहती है और एनसीपी शिवसेनाओं के नेताओं को तोड़ रही है। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एनसीपी को केंद्र से परोक्ष समर्थन प्राप्त है, क्योंकि एनसीपी के नेता पीछे कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं लगी हुई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री मोदी के करीब आना चाहिए और बीजेपी से शिवसेना को गठबंधन करके एनसीपी कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के करीब आने से शिवसेना को फायदा मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी मांग शिवसेना विधायक ने कर दिया उद्धव ठाकरे से। अब देखते हैं आगे इस पर क्या रणनीति निकलकर सामने आती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन तोड़ेंगे या फिर गठबंधन की सरकार ये चलती रहेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में फिर से शुरू हो सकती है वोटों की गिनती, बीजेपी जाएगी कोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुए करीब डेढ़ महीने का समय बीत गया है, नतीजे भी आ गए हैं और सरकार भी बन गई है, लेकिन चुनावी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाए हैं और वहां पर फिर से मतगणना कराने के लिए ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट भी पहुंच गई हैं। भाई आपको बता दें कि टीएमसी की ओर से नंदीग्राम के अलावा चार और सीटों पर पुनर्मतगणना कराने की मांग करने वाली याचिका कोर्ट में दायर की गई है। यहां पर बीजेपी से टीएमसी मामूली अंतर से हारी है। अब बीजेपी इसी राह पर चलने वाली है। टीएमसी ने 5 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है तो बीजेपी 50 सीटों पर फिर से मतगणना कराने की मांग कोर्ट से करेगी। इसका ऐलान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद में कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी 5 सीटों पर पुनर्मतगणना की मांग करेंगी तो हम 50 सीटों पर पुनर्मतगणना कराएंगे, क्योंकि 50 सीटों पर हमारे कैंडिडेट भी बहुत कम वोटों से हारे हैं, ममता के तो सिर्फ 5 सीटों पर ही हारे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में फिर से वोटों की गिनती हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने लगाया राम मंदिर के चंदे में लूट का आरोप, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे की राशि में लूट का आरोप लगाते हुए इसे रामद्रोह करार दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरेजवाला ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राम मंदिर के नाम पर एकत्रित चंदे में लूट की रोज खबरें आ रही हैं और उसमें खुलासा हो रहा है कि लाखों की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को करोड़ में बेची जा रही है
उन्होंने कहा कि ताजा मामला इस वर्ष 20 फरवरी को आया है, जहां पर 20 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ में खरीदा है। इसमें काफी घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस मिलकर चंदे को लूट रहे हैं और इसी कारण राम मंदिर भी नहीं बन पा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बैठो दोस्तों, अगली खबर की ओर। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कृषि कानून को रद्द कराएंगे किसान, 26 जून को पूरे देश में देंगे धरना। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं और मोदी सरकार से लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब कृषि कानून को रद्द कराने के लिए राष्ट्रपति से किसानों ने बड़ी मांग कर दी है और देश के किसान अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से तीनों कृषि कानून को रद्द कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन में शामिल किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 7 महीने किसान आंदोलन के पूरे 26 जून को हो जाएंगे और 26 जून को पूरे देश भर में हम प्रदर्शन करेंगे और राजभवनों का घेराव करेंगे। साथ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर जो है हम उनसे जो है कृषि कानून को रद्द कराएंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा ऐलान जो है कर दिया है किसानों ने। इसी बीच बैठो दोस्तों, अगली खबर की ओर। तो दिल्ली सरकार ने ड्यूटी पर शहीद हुए 6 कर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपया देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस के समय शहीद हुए भारतीय वायुसेना, दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के 6 कर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान शनिवार को कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां पर डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार हर उस सैनिक की बहादुरी का सम्मान और सम्मान करती है जिन्होंने लोगों, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस, रक्षा, अर्धसैनिक बलों और अन्य बलों के उन कर्मियों के लिए वित्तीय सहायता शुरू की है जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।